नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं चुनावी पंच। एक तरफ उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ अपराधियों को जनता का प्रतिनिधि बनाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध से चिंतित भाजपा ने प्रथम चरण में होने वाले चुनावों में सबसे ज्यादा दबंग और बाहुबलियों को टिकट थमाया है। एक भाजपा ही नहीं, अपनी सरकार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का दम भरने वाली बसपा दागी नेताओं को टिकट देने में दूसरे नंबर पर आई है। तीसरे पायदान पर आरएलडी और चौथे पायदान पर सपा ने जगह बनाई है। विगत कई वर्षों से चुनाव में धन और बल का इस्तेमाल एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच एडीआर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उम्मीदवारों का विश्लेषण आपराधिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर किया गया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चुनावों में अपराध को एक बड़ा मुद्दा भाजपा और बसपा ने बनाया है। दोनों ही दल अपनी सरकार आने पर प्रदेश को अपराध मुक्त करवाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सबसे ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट बांटा है। पहले चरण में भाजपा के कुल 73 उम्मीदवारों में से 29 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा है जिसके 73 में से 28 उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि है। वहीं सपा के महज 15 उम्मीदवार और सबसे कम कांग्रेस के 6 उम्मीदवार आपराधिक छवि वाले हैं। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में इन उम्मीदवारों की संपत्ति का भी ब्यौरा दिया है। पहले चरण के कुल उम्मीदवार 39 में से 302 करोड़पति हैं। बसपा पहले नंबर पे है जिसने 66 करोड़पति उम्मीदवारों को टिकट दिया है। भाजपा भी अमीरों को टिकट देने में पीछे नहीं है। भाजपा के 61 प्रत्याशी करोड़पति हैं, वहीं सपा में 40 और कांग्रेस के सबसे कम 18 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इन उम्मीदवारों में से 14% के पास 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इन उम्मीदवारों में तकरीबन आधे ऐसे हैं जिनकी औपचारिक शिक्षा का स्तर 5वीं से 12वीं के बीच है। 336 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामों में दावा किया है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक या इससे ऊपर है। महज 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जो असाक्षर हैं। इन दलों में महिलाओं को उम्मीदवार बनाने में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। उधर पंजाब चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वहाँ 100 से ज्यादा दागी प्रत्याशी मैदान में है। तो ये तो देखिए आपने रिपोर्ट। इस पर पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे ग्रुप एडिटर राजीव रंजन श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। राजीव जी, एक जगह जहां राजनीतिक दल साफ सुथरे राजनीति की बात करते हैं, चुनाव में जो है साफ सुथरे लोगों को टिकट देने की बात करते हैं, अपराध मुक्त समाज बनाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर दागी लोगों को टिकट भी देते हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, सीधा इसका मकसद होता है चुनाव जीत कर आना। ये जो मुख्य मकसद है कि किसी भी एन केन प्रकार हमको चुनाव जीतना है, और इसमें धन और बल का कितना इस्तेमाल होता है वो तो हम देखते आ रहे हैं। एडीआर की लगातार रिपोर्ट आ रही है और उस रिपोर्ट में ये बात तो साफ जाहिर हो रही है कि न सिर्फ दागी नेताओं को, आप ऐसे लोगों को भी जिनके न सिर्फ आपराधिक मामले जिनके ऊपर हैं, उसके अलावा जिनके पास काफ़ी धन है वो लोग भी हैं इसमें। तो ऐसी स्थिति में चुनाव में जो चुनाव आयोग ने जो ये किया है कि आप सिर्फ 28 लाख रुपए एक उम्मीदवार जो है वो खर्च कर सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 28 लाख रुपए में एक चुनाव लड़ा जा रहा है? आप समझ सकते हैं कि कितने रुपए खर्च हो रहे हैं। तो रुपए को खर्च करना है और बाहुबल के दम पर आपको चुनाव भी जीतना है, और जीत करके जब लौट के आना है तो इन पैसों को सूद समेत वापस भी लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है चुनाव, जो ओवरऑल चुनाव को व्यवसाय बना दिया गया है, और उसका नतीजा है कि वहाँ पे धन वाले लोग भी आते हैं और बल वाले लोग भी आते हैं। लेकिन एक चीज़ देखने को मिली है, जिन दागी नेताओं को टिकट दिया जाता है तो अक्सर वो लोग इसमें सफल भी हो जाते हैं, जीत भी जाते हैं, इसका क्या कारण? कारण साफ है, क्योंकि आपके पास धन है और बल है और वोट बिक रहे हैं, खरीदने वाले जो हैं खरीदार हैं, और आप सुनने में आता ही है कि कोई कंबल बांट रहा है तो कोई कुछ और बांट रहा है। घोषणा पत्र में जिस प्रकार बातें हो रही हैं कि अगर हम जीत कर आएंगे तो युवाओं को मोबाइल देंगे, कोई बोलता है लैपटॉप देंगे, कोई और कुछ बोलता है, तो ये जो घोषणा पत्र में जो इतनी तमाम जो सुविधाएं देने की बात होती है, ये भी किसी न किसी रूप में रिझाने की बात तो हो ही रही है। लेकिन दूसरा जो आपका सवाल है कि क्या कारण है कि ये जीत कर आते हैं, देखिए पुराने ज़माने में
जो एक नेता होता था, नेता के आजू बाजू में जो लोग होते थे, इस तरह के लोग होते थे जो उनके लिए कहीं अपराध में लिप्त होना भी पड़े तो वो हो जाते थे। धीरे 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 ये स्थितियां जो हैं, परिस्थितियां बदलीं और जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो सीधे आने लगे, चुनाव में लड़ने लगे। कहीं से वो किसी पार्टी से लड़के आते हैं तो कभी वो निर्दलीय आते हैं, कई ऐसे हैं, नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं, लेकिन वो जानते हैं कि किस प्रकार चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। वो पहले भी इस काम को करते रहे हैं, वो किसी नेता के लिए करते रहे थे और अब जो है वो अपने आप के लिए करते हैं। तो पार्टियां भी जानती हैं कि ऐसे लोगों को अगर लेकर के आए तो हम चुनाव जीत सकते हैं। राजीव जी, एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि चुनाव आयोग जो है वो साफ सुथरी राजनीति की बात करता है और इसमें सुधार की बात करता है, कम पैसे खर्च हों, अच्छे लोग इसमें शामिल हों, इसकी बात करता है। तो इसके जो बात ये करता है चुनाव आयोग, इस पर राजनीतिक दल सहयोग क्यों नहीं करते? ये तो सही सवाल है आसिफ, क्योंकि लगातार ये लग रहा है। आप देखिए कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में, राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने जो कहा, उन्होंने वहाँ भी चुनाव सुधार की बात की। उसके बाद जब 1 फरवरी को बजट आया, उस बजट में भी वित्त मंत्री ने अपने अभिभाषण में यही कहा कि 2000 से ज़्यादा रुपए आप कैश नहीं ले सकते हैं, एक पार्टियां नहीं ले सकती हैं। तो ये खर्च को कम करने की बात हो रही है। एक तरफ राष्ट्रपति भी चिंता कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे वित्त मंत्री भी चिंता कर रहे हैं। लेकिन जब आप खर्च कम करने की बात कर रहे हैं तो वो पैसे दूसरी जगह से कैसे आएंगे? जो आप कह रहे हैं सवाल यही है कि आखिर चुनाव सुधार की बात में जो पार्टियां हैं वो क्यों नहीं साथ दे रही हैं। मुझको ये लगता है कि इतना महंगा हो गया है एक चुनाव को लड़ना और जीतना, और उसमें सारी पार्टियां जिनके पास पैसे हैं वो सब लगी हुई हैं कि किसी भी तरह से हम इस चुनाव को जीत लें। तो वो सबसे बड़ी चीज़ जो सामने दिखती है वो है पैसा, और पैसे के दम पर जीतना अगर है तो किसी भी प्रकार का आप वहाँ अड़चन पैदा करने की कोशिश करें, जैसे भी हो, वो वहाँ मायने नहीं रखता है। क्या आपको लगता है कि 2000 रुपये जो लिमिट किया गया है वो 2000 रुपये लिमिट के बाद भी चंदे रुक जाएंगे क्या? या जिसको डिजिटल रूप में लेना हो या उसको चेक से लेना हो, क्या लेना छोड़ देंगे लोग क्या? एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा कि आज 10 करोड़ से ज़्यादा जो हैं वो बीजेपी के मेंबर हैं। अगर 2000 रुपये अपने मेंबर से बीजेपी ले ले तो आप देख लीजिए कितने करोड़ रुपए हो जाएंगे। बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसा नहीं है, एक तरफ आप कानून बनाते हैं तो दूसरी तरफ कानून तोड़ने के तरीके तैयार रहते हैं। तो ये कहा जाए यहाँ पर कि चुनाव लड़ने के लिए धन और बल दोनों होना चाहिए, और इसके बगैर जो है वोटर भी नहीं आता है आपके पास। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को ये लगता है कि अगर हमें वोट पाना है या अपनी सीटें बढ़ानी है तो दागियों को दागी नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि वो सीट निकाल रहा है अपने इलाके से कि नहीं निकाल पा रहा है, और इसी वजह से जो है वो ये नहीं देखते हैं कि बंदा दागी है कि नहीं है। उनको मतलब होता है अपनी सीट से, सीट को जीतना है और आगे ले जाना है और अपनी सरकार बनानी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, चर्चा के लिए आपने वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ आए खबरें लगातार।